नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की एबीसीडी में, जहां पर हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट की तमाम बारीकियों को आपको पहुंचाएं। कमोडिटी मार्केट की हर पाठशाला में आप हिस्सा लें और जानें और कमोडिटी मार्केट को लेकर अपडेट रहें। और हमेशा की तरह केडिया जी आज मेरे साथ फिर से हैं। केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। शुक्रिया केडिया जी एक बार फिर से आपका, आपने वक्त निकाला और दर्शकों की पूरी जिम्मेदारी आपने उठा रखी है कि कैसे कमोडिटी मार्केट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो आज की कमोडिटी की एबीसीडी की क्लास में आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग की क्लास, कि ऑप्शंस ट्रेड को लेकर जो आम लोग हैं उनमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और कमोडिटी मार्केट में खास करके ऐसे लोग भी हैं जो फार्मर्स हैं, एफपीओ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है। एक अच्छा टूल्स होने के बाद भी वो ऑप्शंस के टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में कोशिश यही होगी कि अगले आधे घंटे तक तमाम उन पहलुओं को हल्के फुल्के अंदाज में आसान भाषा में आप तक पहुँचाए, ताकि आप भी ऑप्शंस को समझ पाए। केडिया जी, शुरुआत करेंगे बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज से, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है? पहला सवाल मेरा यही होगा कि ऑप्शन ट्रेड होता क्या है, आसान भाषा में बताएं। नमस्कार सुमन जी, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये कोई एक हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो इंश्योरेंस, जैसे हमारी गाड़ी हम खरीदते हैं, सपोज 20 लाख की आप गाड़ी खरीदते हो तो उसमें आप 20,000 रुपये का एक प्रीमियम पे करते हो। अब इनकेस अगर गाड़ी का एक्सीडेंट, खरोच या कुछ भी आ जाए तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि मुझे इसका मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। सिमिलरली एक और उदाहरण अगर हम बात करते हैं तो जैसे इंश्योरेंस के साथ साथ मेडिक्लेम, आज हम हमारी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक प्रीमियम पे करते हैं और साल भर हेल्थ कंपनी हमारा इंश्योरेंस रखती है कि इनकेस अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो दे विल टेक केयर। तो सिमिलरली जैसे आप अपनी हेल्थ का और गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते हैं, वैसे कमोडिटी मार्केट में प्राइस का भी इंश्योरेंस निकलता है जो हम कमोडिटी के अंदर ऑप्शन के तरीके देख सकते हैं। तो जब भी भाव में अधिक तेजी या मंदी आती है तो काफी वीसीपीस वैल्यू चेन पार्टिसिपेट, जैसे फार्मर है या स्टॉकिस्ट है, कंपनीज है या ट्रेडर्स है, इनको उसका इंपैक्ट पड़ता है, चाहे पॉजिटिव पड़े चाहे नेगेटिव पड़े, बट कुछ ना कुछ असर पड़ता है। इस असर को बिजनेसमैन ज्यादा करके अवॉइड करना चाहता है, तो ऐसे टाइम पे आपको प्राइस के लिए जो इंश्योरेंस निकालना है उसे हम कहते हैं कमोडिटी के अंदर ऑप्शन। तो सिमिलरली जैसे हम हमारे हेल्थ या गाड़ी की इंश्योरेंस निकालते हैं, एक प्रीमियम पे करते हैं, तो एक प्रीमियम पे करके आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में भी। तो आपने समझा कि ऑप्शंस है क्या। एक और कुछ और बातें मैं बता दूं, मान लीजिए एक ज्वेलर से मैं मिला था हाल के दिनों में, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमने एक ऐसा ऑफर निकाला है कि ज्वेलरी का जो मौजूदा भाव है उस पर आप ज्वेलरी की बुकिंग कर ले, और फिर भाव अगर भविष्य में बढ़ गए, मान लीजिए 60,000 रुपये गोल्ड के 10 ग्राम का भाव है, आप बुक कर ले 60,000 के भाव पर, अगर भाव 65,000 रुपये भी हो गए तो भी वो 60,000 रुपये के भाव पर ही आपको ज्वेलरी देंगे। वही अगर 60,000 का सोना अगर 55,000 58,000 हो जाए, नीचे का आ जाओ, तो आपको तो लालच होगी कि मैंने तो ऊपर में बुक कर लिया तो क्या करें। तो उस पर भी ज्वेलर कह रहा है कि नीचे आने पर वो नीचे का ही भाव देंगे, ऊपर जाने पे आपने जो बुक किया है वो भाव देंगे। तो इस तरह के ऑफर्स मार्केट में चल रहे हैं। तो मैंने पूछा फिर आपको जो नुकसान होगा इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि वो मैं ऑप्शंस के जरिए हेज करके जाऊंगा। ऑप्शंस के जरिए होगा क्या, आपने एक कॉल उन्होंने खरीद लिया, कॉल ऑप्शंस खरीद लिया, अगर भाव ऊपर चले गए तो अगर उनको यहाँ पे अगर हाजिर में घाटा हो रहा है तो ऑप्शंस के जरिए कमाई हो गई। तो एक इंश्योरेंस लेकर आपने भविष्य के जो उतार चढ़ाव भाव जिस साइड भी जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर हाजिर में आपके पास मान लीजिए जीरे का, चने का, किसी का भी, मान लीजिए मसालों में अभी ट्रेडिंग हो रही है ऑप्शंस में, जीरे का स्टॉक है, जीरे का भाव अगर भविष्य में ऊपर जाता है तो आपके पास स्टॉक है, आप किसान हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर भाव गिर गया तो क्या होगा, फिर आप पुट ऑप्शन यहां पर खरीद सकते हैं, यानी भाव नीचे की तरफ अगर आ गया तो फिर आपको पुट के जरिए कमाई होगी, और अगर तो अगर ऊपर चला गया तो आपके पास हाजिर में पड़े हुए स्टॉक हैं ही, उसको बेच सकते हैं। तो केडिया जी, अगर किसी को ट्रेड करना हो ऑप्शंस में, कमोडिटी ऑप्शंस में खास करके, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास मौजूद रहते हैं, कुछ केस स्टडी के साथ बताइएगा। बिल्कुल, जैसे आपने एक गोल्ड का उदाहरण देके बताया, बहुत ही अच्छा उदाहरण था, और ऐसे ही उदाहरण हम एग्री के अंदर भी कर सकते हैं। ज्यादा करके हम ये तीन स्ट्रेटजीज
हमारे जितने भी फिजिकल व्यापारी है उनको हम सजेस्ट करते हैं, सस्ते में लेना है महंगे में बेचना है या लिए हुए माल को हम रेंट पे भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बोलने में एकदम सिंपल नजर आती है। फॉर एग्जांपल, अगर पहला मैं लेता हूँ कि सस्ते में माल लेना है, तो आज कोई भी कंपनी या प्रोक्योरमेंट सस्ते में करना चाहती है, तो ऐसे टाइम पे आप एक्सचेंज के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे प्री डिफाइंड आपको जो भाव में माल चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जीरे की बात करूँ, तो जीरा इस वक्त फॉर एग्जाम्पल ये 60,000 का भाव है। आपको लगता है मुझे जीरे का प्रोक्योरमेंट करना है, बट 60 पे नहीं, मुझे 55,000 पे करना है या 56,000 पे करना है, तो आप यहाँ पे 55,000 का पुट बेच सकते हैं। तो अगर भाव नीचे आएगा तो ही आपको डिलीवरी मिलेगी। सिमिलरली, अगर आपके पास माल पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि, जैसे धनिया का केस लेते हैं हम, धनिया 7,800 का भाव चल रहा है और आपको लगता है कि मुझे मेरा धनिया 8,500 पे बेचना है, तो आज आप ऑप्शन के जरिए आज ही भाव फिक्स कर सकते हैं। आपको 8,500 का अगर आप कॉल बेचेंगे तो आप कहीं ना कहीं फिक्स कर रहे हैं कि प्राइसेस के 8,500 का भाव गया अगले एक महीने में तो मैं डिलीवरी दे सकता हूं। और जो मैंने हेजिंग के तौर पे बताया था, काफी जन फ्यूचर्स पे भी करते हैं, हेजिंग बहुत अच्छा टूल है एक्सचेंज पे। बट इसके अलावा अगर आपके पास गवार पड़ा है, और जैसे कि हम जानते हैं गवार में एकाएक काफी बड़ी तेजी आई, और अगर आपको लगता है कि गवार में आगे मुझे गिरावट दिख रही है सपोज, तो आप क्या कर सकते हैं, गवार का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि इनकेस अगर गवार में गिरावट आती है तो आपने पुट बाय किया है। पुट बाय करना मतलब मंदी बाय करना, तो लिए हुए माल को आपने हैज कर लिया है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ बरसात में आगे पीछे होती है और भाव गवार सीड का अगर मैं बात करूं, 6,000 से भाव बढ़कर लेट से 7,000 हो जाता है, तब क्या होगा, पुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपको जो बढ़ा हुआ भाव है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब है, जो आप फ्यूचर से खाली हेज करते थे उसकी जगह अगर आप ऑप्शन से हेज करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। फार्मर्स की अगर मैं बात करूं, तो फार्मर को सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि आज अगर मैंने जीरे का भाव 60,000 का देखकर मैंने उगाने की कोशिश की है, अगर जीरे की जब नई फसल आएगी तो सप्लाई बढ़ेगी और भाव में गिरावट आएगी तो मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे समय फार्मर्स एफपीओ के जरिए एक्सचेंज पे पुट ले सकते हैं। तो इनकेस अगर भाव में गिरावट आ जाती है तो पुट कहीं ना कहीं वो गिरावट का जो नुकसान है वो भरपाई करके दे देगा। इनकेस मार्केट में अगर तेजी आ जाती है तो ऊंचे भाव पे आप अपनी फसल बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब है विश्वम जी, चाहे वीसीपीस के अंदर, चाहे फार्मर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर, सभी के लिए ऑप्शन के जरिए हम कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो उनके बिजनेस में बेनिफिट देता हुआ दिखेगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में चार तरह के सौदे करने के विकल्प रहते हैं। कॉल खरीद सकते हैं, आपको लग रहा है कि बाजार में तेजी आने वाली है तो कॉल खरीदे, आपके लिए जो कॉस्टिंग होगा सिर्फ प्रीमियम की रकम होगी। हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम होते हैं जो आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से, आप अपने ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे भी जाकर ये देख सकते हैं। पुट खरीद रहे हैं यानी आपको लग रहा है कि बाजार में गिरावट आने वाले, उस पर्टिकुलर कमोडिटी में, सिक्योरिटीज में गिरावट आने वाली है, इसलिए आप पुट खरीद रहे हैं। अगर आप कॉल राइटिंग या फिर कॉल सेल कर रहे हैं यानी यहाँ पर आपको गिरावट पर फायदा होगा, लेकिन ये सेल करने के लिए आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अब जब कोई भी ऑप्शन बाई करते हैं तो सिर्फ आपको प्रीमियम देना पड़ता है, यानी बाइंग अगर आप कर रहे हैं ऑप्शंस की तो आपके लिए रिस्क सिर्फ प्रीमियम तक ही सीमित होगा, लेकिन आप सेल कर रहे हैं तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आप पुट राइटिंग पुट सेलिंग कर रहे हैं तो समझिए यहाँ पर तेजी पर फायदा होगा। केडिया जी, जो राइटिंग करने के लिए अगर किसी को सेल करना है ऑप्शंस में, तो उसके लिए आमतौर पर कितना मार्जिन देना पड़ता होगा? फ्यूचर्स का जो मार्जिन है उसी के आसपास या फ्यूचर्स से कम रहता होगा यहाँ पर मार्जिन? देखिए विष्णु जी, जो ऑप्शन बायर होते हैं वो जनरली एक छोटी पोजीशन व्यू के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं ये बिजनेस के अंदर प्रोक्योरमेंट के लिए या अपना स्टॉक ऑफलोड करने के लिए काम में यूज करते हैं। जब भी आप ऑप्शन बेचते हैं तो इट इज एज गुड एज फ्यूचर। जैसे हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है, तो जितना फ्यूचर में मार्जिन रिक्वायर्ड आता है उतना ही ऑप्शन सेलिंग में भी आता है। बिकॉज जब भी आप कॉल बेचते हो, कॉल बेचना मतलब हो जाता है आप शॉर्ट करने की तैयारी कर रहे हो या लिए हुए माल को बेचने की तैयारी कर रहे हो, तो इट इज एज गुड एज फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो मार्जिन लगता है वही मार्जिन आपको ऑप्शन सेलिंग में लगेगा। केडिया जी, अब एक और सवाल होगा, हालांकि बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हम लेकर जा रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो स्ट्राइक प्राइस
जो करंट प्राइस होता है तो उस प्राइस के आगे और पीछे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इसको अगर आसान भाषा में समझा दे, एटीएम क्या है, इन द मनी क्या है और आउट ऑफ मनी यानी ओटीएम, आईटीएम और एटीएम और स्ट्राइक प्राइस को भी समझा दीजिए केडिया जी। देखिए, अगर जो करंट भाव है उसे हम कहते हैं एटीएम, मतलब एट द मनी। एक साधारण मैं लैंग्वेज में बताता हूँ, मैं इस वक्त बॉम्बे में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो हम बोलेंगे कि मुंबई में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो वहां पे हम एटीएम पे खड़े हैं, और अगर मुझे आगे जाना है मतलब दिल्ली की तरफ जाना है तो दिल्ली मेरे लिए ओटीएम हो जाएगी। मेरे प्राइस के आगे वाले जो भी स्ट्राइक रहेगी, आगे वाले प्राइस जो रहेंगे, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ तो दिल्ली मेरे लिए ओटीएम है, जबकि चेन्नई मेरे पीछे रह चुका है तो चेन्नई मेरे लिए आईटीएम, क्योंकि मैं चेन्नई को पीछे छोड़कर बंबई तक पहुंच चुका हूं और बॉम्बे से अभी मैं निकल के दिल्ली जा रहा हूं। तो जो बॉम्बे है, मुंबई है, ये मेरे लिए एटीएम है, दिल्ली मेरे लिए ओटीएम है एंड आईटीएम, चेन्नई को मैं पीछे छोड़ चुका हूं इसके लिए वो मेरे लिए इन द मनी है, मतलब वो लेवल में पार कर चुका हूं। सिमिलरली अगर आप पुट बायर हो, पुट बायर मतलब आपने मंदी की है और आप इस वक्त मुंबई पे खड़े हो, तो आगे मतलब चेन्नई की तरफ जा रहे हो आप, तो चेन्नई आपके लिए ओटीएम हो जाएगा, मतलब आने वाला है, चेन्नई आने वाला है, इसके लिए हम उसको बोलेंगे ओटीएम। एटीएम मुंबई है और दिल्ली हमारे लिए आईटीएम हो जाएगा, बिकॉज इन द मनी जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि 100 रुपए का भाव है और तेजी कर रहा हूं तो 110 मेरे लिए ओटीएम है और 90 मेरे लिए आईटीएम है। तो इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में एटीएम मतलब एट द प्राइस, एट द मनी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो एटीएम होगा, आगे वाले प्राइस जो रहेंगे वो ओटीएम रहेंगे एंड पीछे वाले जो प्राइस है उसको हम आईटीएम कहते हैं। यानी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी आपने समझा। आप आसान तरीके से, आसान भाषा में यही समझे कि जो करंट प्राइस है वो एटीएम है, जो जो सौदा आपको अभी से भी मुनाफे में है अगर वहाँ पर सौदे बना रहे हैं तो समझिए वो प्राइस आपके लिए इन द मनी, ऑलरेडी पहले से ही आप प्रॉफिट में वहाँ पर रहेंगे, और जिनमें प्रॉफिट आना बाकी है वो एटीएम से दूर का प्राइस है, वो आपका आउट ऑफ मनी स्ट्राइक है। तो अलग अलग स्ट्राइक रहते हैं, अब जब आप ऑप्शंस चेन देखेंगे तो उस अलग अलग स्ट्राइक आप देख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से प्रीमियम भी तय होते हैं। जिनको लगता है कि जो प्रॉफिट में जल्दी आ सकता है वो, तो उनके प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, जो काफ़ी दूर के ओटीएम होते हैं उनके प्रीमियम भी कम रहते हैं। तो आप जैसे जैसे अंदर की तरफ ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सर एक और केडिया जी, एक और बात होती है इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ग्रिक्स, जिसे हम ऑप्शंस का ग्रिक्स समझते हैं, ये भी काफ़ी अहम होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू का ऑप्शन में काफ़ी महत्व है। अगर टाइम वैल्यू बायर के लिए अगर कम होता चला जाए तो कब उनको काफी नुकसान का भी डर रहता है, तो इसको अगर आसान भाषा में आप बता दें। बिल्कुल, जो 5 ऑप्शंस के ग्रिक्स होते हैं, पहला होता है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा या इंटरेस्ट रेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो टाइम डीके होता है। जैसे कि हम जानते हैं बर्फ है, बर्फ को अगर हम फ्रीज से निकाल के बाहर रखते हैं तो एक लिमिटेड अवधि के बाद उसका पानी हो जाता है, तो सिमिलरली अगर हमने कोई भी ऑप्शन का सौदा लिया है तो उसकी पीरियड जो होता है वो ज्यादा करके 1 मंथ होता है। तो 1 महीने के अंदर जो चीज आपने सोची है कि 100 रुपए की चीज, या हम एग्जांपल लेते हैं गवार की, 6100 का भाव आप सोच रहे हैं कि 6500 का भाव होने वाला है, तो आप एक 6100 का कॉल खरीद रहे हैं और उसके लिए एक प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो समय है वो 1 महीने का समय है। अगर एक महीने के अंदर अगर 6500 का भाव नहीं आता है तो इसका प्रीमियम डिटोरेट होता रहता है एंड जिसको हम बोलते हैं डीके, टाइम डीके बोलते हैं हम लोग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन यही चीज अगर आप ऑप्शन बेच के करते हैं तो जो टाइम डीके होता है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे टाइम डीके होगा वैसे वैसे आपने जो प्रीमियम ले रखा है वो आपका कंफर्मेशन मिलता रहता है। तो कभी भी जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो टाइम डीके का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का महत्व। आप मान लीजिए कोई भी सिक्योरिटी 1000 के स्ट्राइक का अगर कॉल का प्रीमियम अगर मान लीजिए 32 रुपये है और मार्केट भाव 1020 रुपये है, तो यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर 20 रुपये है और यही इन द मनी है, क्योंकि मार्केट भाव 1020 है और आपने कॉल खरीदा 1000 के स्ट्राइक की, तो 20 रुपये आपका इन द मनी है और बाकी 12 रुपये जो 32 का जो प्रीमियम है ना उसमें से 12 रुपये आपका टाइम वैल्यू है, जो एक्सपायरी के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपायरी की तरह आप बढ़ेंगे वो धीरे धीरे
इरोड होती चली जाएगी, गलता चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑप्शंस बाय करें तो टाइम वैल्यू का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे ये कम होते जाएंगे। और रिस्क जैसा केडिया जी बता रहे कि डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा, इन सब चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो थीटा क्या है? तो थीटा यही कि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू की अहमियत को ये बताता है। तो ये जो आंकड़े आपको देखेंगे कि एक्सपायरी में जो बचे हुए समय का प्रीमियम प्राइस क्या रहेगा, वो आपको पूरा डेटा के जरिए बताएगा और उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। डेल्टा को अगर आसान भाषा में समझे तो ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस किस दर से ऊपर नीचे होगा वो डेल्टा बताता है। ऑप्शन ग्रीक डेल्टा बाजार की दिशा का असर बताता है। और कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, और पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो -1 से 0 के बीच होता है। एटीएम का जो एट द मनी का डेल्टा 0.5, आईटीएम का 1 और ओटीएम ऑप्शन का डेल्टा 0 होता है। और इसका जो फॉर्मूला है प्रीमियम में बदलाव का भाव में बदलाव इंटू डेल्टा, वही आपका प्रीमियम में बदलाव होता है। अब गामा क्या है? गामा सिर्फ डेल्टा में होने वाले बदलाव को बताता है, यानी डेल्टा में जो बार बार बदलाव होता है वो कहाँ से निकाले जाते हैं, तो वो यहाँ पर गामा आपको दिखाता है। और वेगा मार्केट की वॉलेटिलिटी को दिखाता है, और इसी के आधार पर प्रीमियम भी तय होते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो उस समय प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, मार्केट में स्थिरता आएगी तो वो प्रीमियम भी कम हो जाएंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए बायर्स को, अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो तो प्रीमियम भी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, इसलिए इससे दूर रहना ज़रूरी है। PCR क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। अगर क्योंकि हालांकि इक्विटी मार्केट में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हालांकि यहाँ पर इतना लिक्विडिटी नहीं है कि PCR के दम पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करे, लेकिन तभी भी लोगों के लिए आप PCR अगर समझाते तो अच्छा होता। बिल्कुल विष्णुमान जी, PCR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो से हमें ये पता चलता है मार्केट का डायरेक्शन या मार्केट में जो मोमेंटम है वो हम पता कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसको एज ए स्ट्रेटजी पॉइंट भी देखते हैं। ज़्यादा करके हम देखते हैं, लेट्स से PCR का वैल्यू 1 है, अगर ये PCR का वैल्यू अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम देखते हैं कि पुट में राइटिंग्स कम हो रही है। PCR अगर बढ़ रहा है तो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर पुट राइटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो एक तरह से हम बोलते हैं मार्केट का टोन पॉजिटिव है। तो इक्विटी मार्केट में जैसे हम ज्यादा करके देखते हैं कभी भी PCR 1.5 1.4 के करीब आते हैं तो हम बोलते हैं मार्केट में तेजी बनी हुई है। ऐसे ही आप ऑप्शन में कमोडिटी ऑप्शन में भी आप PCR का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको अगर PCR 1 के ऊपर चल रहा है तो हम बोल सकते हैं करंट ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव, बट इसके लिए थोड़े वॉल्यूम बिल्टअप होना बहुत जरूरी है और वो धीरे धीरे अभी हम एग्री कमोडिटीज के अंदर देख रहे हैं। अगर PCR का वैल्यू ड्रॉप हो रहा है 0.5 0.4 तो हम बोल सकते हैं मार्केट में एज ऑफ नाउ तो गिरावट चल रही है, बट ज्यादा करके कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम देखते हैं कि अगर 2-3 दिन के अंदर लोएस्ट लेवल छूने के बाद 0.2 0.3 का लेवल छूने के बाद जब PCR ऊपर आता है तो एक तरह का ये एक इंडिकेटर बन जाता है कि मार्केट में अब धीरे धीरे तेजी लौट रही है एंड वाइस वर्सा। तो PCR हमें बताता है मार्केट का सेंटिमेंट किधर है, मार्केट में ट्रेडर्स ने क्या पोजिशन बना रखी, उसका एक समअप एक तरह का इंडेक्स के रूप में PCR दिखाई देता है। यानी पुट कॉल रेशियो को आपने समझा, बिल्कुल आसान है। कुल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उससे आप भाग दे दीजिए कुल कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, कुल पुट OI डिवाइडेड बाई कुल कॉल OI, तो ये आपका PCR निकल जाएगा। अगर PCR 1 से ज़्यादा यानी कॉल के मुकाबले पुट की ज़्यादा राइटिंग हो रही है, अगर PCR 1 से कम है यानी पुट के मुकाबले कॉल की राइटिंग ज़्यादा हो रही है। आमतौर पे इक्विटी मार्केट में इस तरह से धारणा बनी रहती है कि PCR 1.3 से यानी ज़्यादा है तो यानी तेजी का ट्रेंड यहाँ पर, ट्रेंड या गिरावट के बाद तेजी की संभावना यहाँ पर दिख रही है। PCR अगर 0.75 से कम यानी कमजोरी का ट्रेंड और तेजी का ट्रेंड है तो आगे गिरावट की संभावना लग रही है। तो इस तरह से PCR एक संकेत आपको दे देता है। 0.8 से 1.25 के आसपास अगर PCR होता है तो ट्रेंड बने रहने की संभावना रहती है या दायरे में ही कारोबार की संभावना रहती है। तो ये सभी एक्सपायरी के ओपन इंटरेस्ट को मिलाकर लिया जाता है, और ज़्यादा सटीक एनालिसिस के लिए ATM और OTM PCR भी निकाले जाते हैं, यानी एट द मनी और आउट ऑफ मनी PCR भी निकाले जाते हैं। आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। केडिया जी, अब ऑप्शंस की अलग अलग रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं। एक दो अच्छे पॉपुलर रणनीति बता दीजिए कि किस, जैसे आयरन कॉन्डोर जो बहुत
जिसमें आप दोनों तरह के सौदे बना लेते हैं, पुट भी राइटिंग करते हैं, पुट खरीदते भी हैं, कॉल भी राइटिंग करते हैं और कॉल खरीदते भी हैं, तो इस तरह से। लेकिन वो मार्केट की चाल किस तरह के, इस तरह के दो तीन कुछ स्ट्रेटजी बता दे ऑप्शंस में जो ट्रेडर्स को आसान होगी ऑप्शंस ट्रेड करने में और हेज भी कर पाएंगे, बहुत नुकसान भी नहीं हो, क्योंकि एक तरफ एक तरफा अगर वो ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो नुकसान होने का डर ज़्यादा रहता, निकट रखना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर हम बात करें तो सिंपल, अगर प्लेन वेनिला की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि तेजी के लिए हमें कॉल बाय करना चाहिए, मंदी के लिए पुट बाय करना चाहिए, बट थोड़े से अगर हम एडवांस साइड जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रैटेजी बन सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आयरन कॉन्डोर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अगर दायरे में है तो एक लिमिटेड प्रॉफिट की अगर दायरा आपका डिसाइडेड है तो यहाँ पे हम पोजीशन बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे कॉल और पुट दोनों को ही हम पोजीशन बढ़ा के मल्टी लेग पोजीशन बना दें। लेकिन सबसे अच्छा मुझे दो तीन स्ट्रैटेजी जो लगती है, पहला है बुल स्प्रेड, जहाँ पे अगर आपको तेजी लग रही है लिमिटेड तो आप एक कॉल बाय करके, एटीएम का कॉल बाय करके ओटीएम का एक कॉल भेज सकते हैं, जहाँ पे मार्केट में लिमिटेड अपसाइड होता है, प्रीमियम भी कम लगता है और बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड, अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है एक कॉल बैक स्प्रेड, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज जब भी मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम आना होता है तो ऐसे टाइम पे ये स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गवार की बात करें, गवार इस वक्त समझो 5800 का भाव चल रहा है और हमें लगता है कि 6000 का लेवल तोड़ेगा तो गवार में 6500 तक की एक बड़ा उछाल आ सकता है, तो हम 5800 का एक कॉल बेचेंगे और 6000 के दो कॉल ले लेंगे। इससे होगा क्या, जो कॉल हमने बेचा है उससे प्रीमियम मिल जाएगा और फाइनेंस हो जाएगा जो दो ओटीएम के कॉल लिए हैं, और जब भी मार्केट में एक बड़ा उछाल आएगा और 6000 के ऊपर जाता है तो वहां पे मेरा एक नेकेड कॉल खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। इसी चीज के रिवर्स अगर हम बात करें तो कॉल बैक स्प्रेड की जगह पे पुट बैक स्प्रेड की भी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं, जब आपको लगता है एक लेवल के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी, फिर बटरफ्लाई स्प्रेड या अगर हम बात करें सिंथेटिक शॉर्ट बना सकते हैं। तो काफी ऐसी स्ट्रेटजीज है जो आप ऑप्शन के जरिए सिंगल लैग मल्टीपल लैग बना सकते हैं, जहां पे प्रीमियम आता हुआ दिखे, ऐसी भी स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजी आपने खेड़िया जी से समझा, ऑप्शंस में आप पहले बेसिक क्लियर कर ले, एक बार बेसिक बातें समझ में आ जाए फिर स्ट्रेटजी के साथ काम करें, क्योंकि प्लेन वेनिला आप सीधा कॉल खरीद लेंगे, पुट खरीद लेंगे तो हो सकता है, अगर आप ट्रेडर हैं, आप हेजिंग के पर्पज से कर रहे हैं, आपके पास हाजिर में माल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ सीधा कॉल या पुट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो अलग अलग स्ट्रैटजी है, जहाँ पे पूरी तरह से हेज करके भी आप जा सकते हैं, जिसमें पार्शियल नुकसान, काफ़ी कम नुकसान की गुंजाइश रहती है, मुनाफा भी आप काफ़ी हद तक फिक्स कर सकते हैं, जिसके लिए आप बुल कॉल स्प्रेड, कॉल बैक स्प्रेड, पुट बैक स्प्रेड, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर जैसी तमाम स्ट्रैटजी केडिया जी ने बताई। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और ऑप्शंस की क्लास को और भी खास बना दिया आपने। चलिए इस खास पेशकश में इतना ही, और भी आगे इसी तरह की क्लास हम आपके लिए भी लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। के गणेश ने अपने बचपन के दिन